guys! Welcome back to our channel! Welcome to Chit Chat with Shilpa. I hope you liked our other videos and you need to watch my birthday video to know I'm 5 years old. So Amy just turned 5 years old. So congratulations, Amy! Thank you, Mama. Okay, तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं. हम आज बानी के साथ बात करेंगे. और आज हम चिट चैट करेंगे एमी के साथ, बानी के साथ और एमी के साथ. और हम बात करने वाले हैं दोनों बच्चों से कि एक बच्चा है इंडिया में पला बड़ा है, एक बच्चा है कनाडा में पला बड़ा है. और लिटरली कनाडा से इंडिया में पहली बार आया, बिकॉज जब वो लास्ट टाइम आई थी तो वो 1.5 साल की थी, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं. तो वो इंडिया में लिटरली पहली बार आई है जब से उसको समझ आने लगी है. तो बानी और एमी आपस में बात करेंगे कि इंडिया से कनाडा में डिफरेंट क्या है और कनाडा से इंडिया में डिफरेंट क्या है, और एमी को कौन कौन सी बातें इंडिया में डिफरेंट लगी कनाडा से. तो एमी को इंडिया कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा. तो आज हमारी रिटर्न फ्लाइट है कनाडा की, तो एमी क्या करे, इंडिया में रह जाए, कनाडा नहीं जाना? हाँ जी कनाडा नहीं जाना, नहीं जाना. बानी दीदी सबसे अच्छी लगी है. कनाडा में स्कूटी राइड नहीं होती क्या? नहीं. तो आपने इंडिया में बहुत सारी स्कूटी राइड करी है. किस किस के पास स्कूटी थी यहाँ पे? मासी के पास, मामू के पास, अकीबिया के पास, अंबुआ के पास, सबके पास स्कूटी थी. और एमी ने बहुत सारी स्कूटी राइड करी. हाँ जी. और पापा के पास भी स्कूटी है. पापा के पास भी स्कूटी है कनाडा में? नहीं, इंडिया में. इंडिया में. ओके, तो एमी को इंडिया में डिफरेंट क्या लगा कनाडा से? स्ट्रीट डॉग्स एंड काउज ऑन द स्ट्रीट. एट इंडिया आई डू नॉट गेट अ कार सीट. इन कनाडा आई गेट अ कार सीट. ओके, तो कनाडा में स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं होते? नहीं, स्ट्रीट पे होता क्या है, सिर्फ कार्स एंड व्हीकल्स. एमा, तो आपको स्ट्रीट डॉग्स अच्छे लगे? और स्ट्रीट डॉग्स के पास फैमिली भी नहीं है. और काउज देखी आपने इतनी बड़ी बड़ी कनाडा में, इंडिया में? काउज के पास भी फैमिली नहीं है. काउज के पास भी फैमिली नहीं है. हाँ, जो स्ट्रीट में काउज है वहाँ पर भी फैमिलीज नहीं है. मेरे को कुछ बोलना है तो लिसन करो. ओके, तो मेरे को कनाडा वापस जाना है, क्योंकि जब मैं कल मेरा गैबीज डॉल हाउस आएगा. मैंने गैबीज डॉल हाउस ऑर्डर करा और मैं अपना स्कूटर और मैं अपना बाइसिकल भी मिस कर रही हूँ और मैं अपनी टॉयज भी मिस कर रही हूँ. फिर जब बानी दीदी आपको मिस करेंगी, फिर आप हमारे साथ आ जाओ. हाँ, हम इंडिया और नहीं रह सकते, लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ. टॉकिंग अबाउट टू व्हीलर्स, तो यहाँ पे जब आप कार ड्राइव करते हो ना, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. इतने सारे टू व्हीलर्स रोड पे निकलते हैं आपके साथ साथ, एंड यू हैव टू बी लाइक रियली केयरफुल कि यार अब किसी को मार ना दो. आगे भी टू व्हीलर्स है, पीछे भी टू व्हीलर्स है. ऐसा कनाडा में नहीं है, रेयरली कोई बाइक्स आपको रोड पे मिलेंगी, वो भी लोग जो शौकिया चला रहे होंगे. विंटर्स में तो बिल्कुल भी बाइक्स नहीं चलती, और 9 महीने तो कनाडा में विंटर्स ही होते हैं. ठीक है, और जो स्ट्रीट डॉग्स, काउज, अब जो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, वो कनाडा में बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन कनाडा में स्ट्रे एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं है. ये तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं. तीसरा डिफरेंस कह भी सकते हो, नहीं भी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप कार सीट्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन कनाडा में कंपलसरी है कार सीट्स यूज करना. तो सभी लोग, लाइक 100% ऑफ द पॉपुलेशन कार सीट्स यूज करती है बच्चों के लिए कनाडा में. और इंडिया में हो सकते लोग करते हो, लाइक ऐसा नहीं है. जो लोग बच्चों के साथ रोज ट्रैवलिंग करते हैं इंडिया में, क्योंकि कोई चेक नहीं करता है, कोई फाइन नहीं लगाता है, कोई एज सच बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तो चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है. मतलब हमने भी इंडिया में, क्योंकि हमारे पास कार सीट थी ही नहीं और हमने एयरपोर्ट पे टैक्सी बुक की थी और उसमें कार सीट नहीं थी, तो एमी मुझे बोलती है बैठते ही कि मामा यहाँ पे मेरी कार सीट नहीं है. मैं कहा नहीं बेटा, इंडिया में कार सीट नहीं है. तो एमी बोलती है क्यों, इंडिया में रोड्स पे सेफ रहना जरूरी नहीं है?
दैट वॉज लाइक अ अवेकनिंग मोमेंट फॉर मी कि 5 साल का बच्चा मुझे बोल रहा है कि इंडिया में रोड्स पे सेफ रहना जरूरी नहीं है कि आप मुझे बिना कार सीट के कार में बिठा रहे हो। अभी आपको और क्या अच्छा लगा इंडिया में? लकीली हमारे कनाडा में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हमारी फैमिली भी है, मेरी सिस्टर इन लॉ है कनाडा में और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन यस इंडिया आकर एमी और आज मैंने एक कोई टेस्ट करा था जो थोड़ा सा फनी था, मेरी माउथ में पट करा था वो खाते। ये भी डिफरेंट है इंडिया और कनाडा में। कनाडा में एमी के 2 बार कोविड टेस्ट हुए पहले और दोनों बार उसके नेजल कोविड टेस्ट हुए, मतलब नाक से कोविड टेस्ट हुए, और यहाँ पे क्योंकि अभी 5 साल की हो गई है तो फ्लाइट बोर्ड करने से पहले एमी को भी कोविड टेस्ट करना था, तो एमी का कोविड टेस्ट मुंह से हुआ, पर एमी वाज सो अम्यूज्ड। वो कोविड टेस्ट के बाद कहती है यहाँ का कोविड टेस्ट बड़ा फनी था। और इंडिया में इतनी बड़ी फैमिली है, एमी के इतने सारे कजन्स हैं। कितने कजन्स हैं आपके? बहुत सारे, 5 कजन्स हैं आपके। तो एमी की इतनी बड़ी फैमिली है इंडिया में, ये भी एमी को बहुत अच्छा लगा। अब एमी ने तो बता दिया कि एमी को इंडिया में क्या क्या अच्छा लगा, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कनाडा से वो है ये फ्लावर्स। ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं। बट ये फ्लावर्स यार ना इंडिया के हैं ना कनाडा के हैं, ये न्यूयॉर्क से फ्लावर्स आए थे, हमें रोज फॉरएवर कंपनी ने भेजे थे और हमें लगा कि इंडिया में अपनी क्लोजेस्ट फैमिली को देने के लिए ये बेस्ट गिफ्ट रहेगा, तो हमने यहाँ पर ये फ्लावर्स गिफ्ट किए दीदी को और बानी को। सबसे अच्छे लगे, सबसे अच्छी बात इन फ्लावर्स की पता क्या है, इनकी फ्रेग्रेंस मतलब डिवाइन है, मतलब आप एडिक्टेड हो जाओगे। मैं कह तो रही हूँ मैं एडिक्टेड हो चुकी हूँ, आते जाते इधर उधर मैं हमेशा ये सुन के जाती। ये या एक तो ये नेचुरल रोजेज है और ये नेचुरल ऑयल्स में प्रिजर्व किए हुए हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं, और ये 1 साल तक, मतलब कंपनी की गारंटी है कि 1 साल तक एज इट इज रहेंगे, मतलब जितने फ्रेश और जितनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस इनकी आज है उतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस और उतनी फ्रेश ये 1 साल तक लगते रहेंगे। लेकिन हमने पता है ये फ्लावर्स पहले भी यूज किए हैं, तो मैं क्लेम नहीं करती बट मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ अनऑफिशियली कि 1 साल से भी काफी ज्यादा चल जाते हैं। तो ये फ्लावर्स एलर्जन फ्री भी हैं क्योंकि इनको जब प्रिजर्व किया गया नेचुरल ऑयल्स में तो इनको एलर्जन फ्री भी बनाया गया है ताकि जिनको भी रोजेस वगैरह से एलर्जी है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनकी फ्रेग्रेंस को मेंटेन करने के लिए और इनको ऐसे ही प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल्स यूज नहीं किए गए, सिर्फ नेचुरल ऑयल्स यूज किए गए हैं। और ये 9 रोजेस के बुके से लेकर 45 रोजेस के बुके में आते हैं और हर शेप में और हर कलर में आते हैं। इनकी वेबसाइट का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और एक कूपन कोड भी, अगर आप शिल्पा15 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको $15 का डिस्काउंट मिलेगा फॉर एवर ऑन देयर वेबसाइट। और इस वक्त उनका वैलेंटाइंस डे सेल भी चल रहा है, 60% ऑफ पे ये बुके मिल रहे हैं, तो डू चेक आउट देयर वेबसाइट। इनके नए नए कलेक्शंस भी ऐड होते रहते हैं और अगर आप इनकी वेबसाइट चेक करोगे आपको कोई भी बुके पसंद आता है 60% ऑफ के साथ साथ $15 का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको आज क्या अच्छा लगा, क्योंकि हर डे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा था, आज क्या अच्छा लगा? I'm so happy क्योंकि हमें अपने सब्सक्राइबर्स मिले। Yes. Wow. Yes. तो आज हम गए थे अपने एक सब्सक्राइबर के घर पे, सान्या और जिविशा के घर पे, तो डू चेक इट आउट दैट क्लिप। जानते हो रवि को? एमी ये आपको जानती है? मैं उनकी वीडियो देखना था उनको। अच्छा, आप मेरे को भी जानते हो? वाह, कैन आई गिव यू हग? ओके गाइस, तो आज हमें अपने एक सब्सक्राइबर के घर पे, जो सब्सक्राइबर कम फ्रेंड है, जिस दिन से मैं इंडिया में आई हूँ हम टच में है और हमने प्लान बनाया था कि हम जरूर मिलेंगे, तो सान्या जिनके घर पे मैं आज हूँ। थैंक यू सान्या फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। और प्लीज मेरे को ट्रोल मत करना हक करने के लिए, मैं अभी अपने फ्लाइट है मेरी रात की, मैं कोविड टेस्ट करा कर आई हूँ, मेरा टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन हाँ आपकी रिपोर्ट हमने नहीं देखी है। तो एक चीज थी जो मैं इंडिया में आकर मिस कर रही थी कि यार अपने किसी सब्सक्राइबर से नहीं मिली हूँ, तो ये चीज रह गई है, तो वो भी मैं पूरी करके जा रही हूँ। रात की फ्लाइट है तो अब लग रहा है जितने भी चेक पॉइंट्स थे, जितने भी मतलब विश पॉइंट्स थे, सबको चेक 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 करके जा रही हूँ। तो अभी थोड़ी सी चिटचैट करते हैं हम यहाँ पर, आपसे मैं मिलूंगी बड़ी जल्दी।
ट्रिप खत्म हो गया, मैं तो आपको बहुत मिस करूंगा। अब वापस कब आओगे? नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी, अब आप आओगे। यस, इस बार इंडिया वालों की बारी है कनाडा आने की। तो गाइस यहाँ पर हमारा इंडिया का ट्रिप खत्म हो गया, कुछ ही घंटों में कनाडा की फ्लाइट है और 14 घंटे में कनाडा पहुंच जाएंगे और उसके बाद कनाडा व्लॉग्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हमें इंडिया ट्रिप पे और इंडिया ट्रिप के व्लॉग्स के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द रेड बटन, वो तो करना ही है। बाय। और इसी बात पे हो जाए मिठाई। ऐसे थोड़ी सर मेरी बहन रही है, मां आप भी रो रहे हो, आप तो कह रहे थे मैं तो खुश हो रही हूँ। दादी तो बुला लेंगे 4-5 महीने में। ते दादी आप जल्दी आ जाना कनाडा, बुला लेंगे दादी को। हाँ जी, मैं समझ में आ जाऊँ। सॉरी, मुझे मिस करेगा? नहीं करेगा। नहीं, ये कह रही है मैं सिर्फ पानी को मिस करूंगी, ज्यादा कुछ करेगा, सिर्फ पानी को मिस करूंगी।